गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन का 11th टॉपिक जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ गैस सॉल्युबल इन पर सीसी सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो 1 cc में जितना गैस का अमाउंट डिजॉल्व हो जाएगा उसको हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब जो सॉल्युबिलिटी है इसकी वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है वो होती है नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस में हम कैसे देखेंगे कि डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ गैस में कई सारे फैक्टर है और फर्स्ट फैक्टर क्या है? लिक्विफिकेशन। ओके, तो हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ गैस में लिक्विफिकेशन। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफिकेशन। इसका मींस होता है कि जिस गैस का लिक्विफिकेशन जल्दी होगा वो गैस जल्दी से सॉल्युबल हो जाएगी। अब लिक्विफिकेशन किस पे डिपेंड करता है? तो लिक्विफिकेशन बच्चों कई सारे बात पे डिपेंड करता है और जो पहला फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है लिक्विफिकेशन उसको हम कहते हैं मोलर मास। तो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा वो गैस जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ, फर्स्ट हमारे पास है रेडॉन, दूसरी गैस है हमारे पास जिनॉन, थर्ड गैस है हमारे पास क्रिप्टॉन, फोर्थ गैस है आर्गन और नेक्स्ट गैस है नियॉन और सबसे लास्ट में हीलियम। अब कौन सी गैस जल्दी से डिजॉल्व होगी? इनमें से वो गैस जल्दी से डिजॉल्व होगी जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडॉन ग्रुप के एंड में आती है इसलिए रेडॉन सबसे जल्दी होगी, फिर हमारा जिनॉन होगा, फिर हमारा क्रिप्टॉन होगा, फिर हमारा आर्गन होगा और फिर नियॉन। और आर्गन और नियॉन से कम होगी हीलियम, मतलब हीलियम लीस्ट सॉल्युबल गैस है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सी गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, तो बच्चों हीलियम कभी भी लिक्विफाई नहीं होती है। तो सॉल्युबिलिटी जो दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करती है या लिक्विफिकेशन जिस दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है और वो होता है पॉइजनस नेचर। जिसका जितना ज्यादा होगा गैस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबल होगी। तो हमारे पास दो सिंपल एग्जाम्पल है, एक CO और एक O2। अब सब जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगी O2 के कंपैरिजन में। तो जब ब्लड में CO और O2 दोनों जाती हैं तो CO O2 के कंपैरेटिवली 300 टाइम्स जल्दी एड्सॉर्ब हो जाती है या सॉल्युबल। हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर और नेक्स्ट फैक्टर सॉल्युबिलिटी में पॉइजनस नेचर के बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई गैस लिक्विफाइड हो जाती है, जिसके नीचे प्रेशर लगाते ही गैस लिक्विफाइड हो जाती है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस जल्दी से लिक्विफाइड होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर SO2 का होता है और SO2 से कम NO2 से होता है, इसलिए इस पर क्वेश्चन आता है कि कौन सी गैस जल्दी से एसिड रेन बनाएगी, क्योंकि SO2 जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगी इसलिए एसिड रेन SO2 से होगी और SO2 के बाद में ये NO2 आ जाएगा, ठीक है ना। और NO2 के बाद में फिर काफ़ी सारी गैसेज हैं जो इसमें आ सकती हैं, जैसे HCl आ जाएगा, फिर हमारा
अमोनिया आ जाएगा, ठीक है ना, HCl के बाद में NH3 आ जाएगा, और NH3 के बाद में हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में सबसे कम आ जाएगी हीलियम। हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए हीलियम लीस्ट सॉल्युबल गैस है या सॉल्युबल होती ही नहीं है। अब लास्ट फैक्टर बचा नेचर ऑफ गैस में, जो इम्पॉर्टेंट है, और यही फैक्टर हम सरफेस केमिस्ट्री में भी या KTG में भी पढ़ते हैं, और इसको हम कहते हैं वान डर वाल कांस्टेंट। वान डर वाल कांस्टेंट, अब बात आई कौन सा वान डर वाल कांस्टेंट, क्योंकि वान डर वाल कांस्टेंट दो होते हैं, ए एंड बी, तो इन दोनों में से कौन गैस की सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। तो वान डर वाल कांस्टेंट ए और बी दोनों ही डालते हैं, पर मेनली हम वान डर वाल कांस्टेंट ए को डिस्कस करेंगे। ए जो होता है वो हमें गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है, जितना ये अट्रैक्टिव फोर्स या वान डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतने वान डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे और गैस जल्दी से लिक्विफाइड हो जाएगी। एक बार IIT में इसका क्वेश्चन आया कि ए बी सी और डी हमारे पास चार गैसें हैं, अब इसमें से कौन सी गैस जल्दी से लिक्विफाइड होगी, और उसने हमको इनके कांस्टेंट भी दिए, ठीक है ना, और इनके कांस्टेंट क्या थे, मैं लमसम कांस्टेंट आपके सामने लिख देता हूँ। तो जो सबसे पहले ए का कांस्टेंट मैंने लिखा 10, ठीक है, और बी का लिखा 40, और सी का कांस्टेंट मैंने लिखा 30, और डी का कांस्टेंट लिखा 20। मतलब चार गैसों के वान डर वाल कांस्टेंट की वैल्यू आपके सामने है, अब कौन सी गैस सबसे जल्दी लिक्विफाइड होगी, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है IIT में। तो सबसे जल्दी लिक्विफाइड होगी बी गैस, क्यों, क्योंकि बी के वान डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, और बी के बाद बच्चों कौन सी होगी, सी, सी के बाद कौन सी, डी, और डी के बाद कौन सी, लीस्ट सॉल्युबल गैस हो जाएगी हमारी ए। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस नेचर ऑफ गैस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेचर ऑफ लिक्विड और, तो हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा है जो फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कंट्रोल करेगा वो है पोलर नेचर, वो करेगा पोलर नेचर। तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का जो दूसरा फैक्टर है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट ज्यादा पोलर होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और पोलैरिटी एक ही बात है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे H2O और D2O, तो D2O का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है और H2O का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इसलिए H2O में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि अमोनिया अपने सॉल्यूशन से, अपने वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है वाटर में, ये इम्पॉर्टेंट है। और तो रीज़न आएगा क्यों, उसका रीज़न होता है कि इसलिए सॉल्युबल हो जाती है क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ में रिएक्ट करके, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके बना लेती है क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती चली जाती है और इस वजह से अमोनिया की सॉल्युबिलिटी H2O में बहुत ही हाईएस्ट होती है। तो हम पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन।
टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन ये होता है कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। अब बच्चा पूछेगा गैस ऑफ सॉल्युबिलिटी कम क्यों होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम गैस का टेम्परेचर या सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और गैस लिक्विड के सरफेस को छोड़कर बाहर चली जाएगी। दूसरा, कुछ बुक्स में आंसर ये भी लिखा हुआ है कि जब जो गैस ऑफ सॉल्युबल टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से केएच की वैल्यू बढ़ जाती है और केएच की वैल्यू बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो हम दोनों ही फैक्टरों से आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, सो गैस मॉलिक्यूल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। सेकेंड रीजन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हेनरी कॉन्स्टेंट के एच वैल्यू इंक्रीजेज, सो गैस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, तो हम यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाकर और इसको कर सकते हैं कि टेम्परेचर और इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो ये हमारा के एच हेनरी कॉन्स्टेंट की वैल्यू मैंने लगा। अब अगर हमें किसी गैस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पर टीवी इसका बॉइलिंग पॉइंट है, T1 हमारा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, R एक गैस कांस्टेंट है और X यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन, ठीक है ना। तो हमने अगर एक टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी निकाल ली है तो डिफरेंट टेम्परेचर पर उसकी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे या इस दो फॉर्मूले को हम दो बार यूज करेंगे। तो टीवी कैंसिल हो जाएगा और T1 और T2 सिस्टम के टेम्परेचर है कि 25 पे सॉल्युबिलिटी T1 तो 35 पे कितनी होगी। अब इसके प्रैक्टिकल 12th क्लास में क्वेश्चन क्या आते हैं कि जो सी एनिमल्स होते हैं या फिश मान लें, वो कोल्ड वाटर में जल्दी से ग्रो करते हैं जबकि गर्म पानी में वार्म वाटर में धीमे धीमे ग्रो करते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि जब पानी ठंडा होता है, वाटर का टेम्परेचर कम होता है, वाटर का टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज कर जाएगी जिससे एनिमल एक्वाटिक स्पीसीज को पर ब्रीथ में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने से उनकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा ग्रो करेगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। हम चलते हैं गैस सॉल्युबिलिटी का नेक्स्ट फैक्टर जो होगा हमारे हिसाब से फोर्थ, ठीक है ना, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हेनरी लॉ की हेल्प से समझते हैं। हेनरी ने हमको एक लॉ दिया और वो लॉ ये था, मास ऑफ गैस, ठीक है ना, मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। अगर हम इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और चेंज होकर बन जाएगा ये। तो हमने यहाँ पर मास रखा और इस तो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन की जगह हमने हेनरी कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या पी। ओके, तो ये हमारा हेनरी फॉर्मूला बन गया। अब इसको देखकर हम डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, कि मास ऑफ गैस सॉल्युबल इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। इसी का एक दूसरा लॉ भी है जो डाल्टन ने दिया था, और ये वाला जो लॉ है ये डाल्टन का लॉ है।
डाल्टन ने ये लॉ क्या दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, जिसमें KH हेनरी कांस्टेंट है, जिसमें KH हेनरी कांस्टेंट है। और इन दोनों ही फॉर्मूले का यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में करते हैं। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू डाल दें तो ये फॉर्मूला चेंज होकर ऐसा हो जाएगा। तो जब हम इसमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n स्मॉल n b, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, ओके। और नीचे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। जब हम पी और एक्स में ग्राफ खींचेंगे तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और जो स्लोप की वैल्यू होगी वो KH के बराबर होगी। जितने KH की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है। नंबर वन, हेनरी लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन में ही एप्लीकेबल होता है। जब सॉल्यूशन आइडियल होगा तभी यह पूरा अप्लाइड होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हेनरी लॉ सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल सिस्टम पर ही अप्लाइड होगा। एग्जांपल अमोनिया और HCl को जब हम बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो हेनरी लॉ लगेगा, लेकिन HCl में नहीं लगेगा, क्योंकि जब अमोनिया को H2O में डिजोल्व करेंगे तो अमोनिया NH4OH के साथ बना लेगी, जिससे हेनरी लॉ फेल हो जाएगा। तो हेनरी लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज इसमें डेविएशन आएगा। अब हम देखते हैं इसका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो पहला यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक्वाटिक स्पीसीज ग्रो फास्टर इन कोल्ड वाटर बिकॉज एट लो टेम्परेचर ऑक्सीजन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। So aquatic species get more oxygen in per respiration per breathe, okay। हम इसका सेकेंड यूज पढ़ते हैं, और सेकेंड यूज है हमारा एनोक्सिया। एनोक्सिया क्या होता है कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो प्रेशर कम होने लगता है, और प्रेशर कम होने से एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होने लगती है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, या नाक में से ब्लड आने लगता है, ठीक है ना। इसका सी यूज है कि सी डाइवर यूज हीलियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिक्सचर फॉर रेस्पिरेशन टू प्रिवेंट एस बैंड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इस तीनों का मिक्सचर यूज करते हैं। अब बच्चा पूछ कहेगा कैसे, जब हम खाली ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर सी में नीचे डाइविंग के लिए जाते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ने से ऑक्सीजन के ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम सडनली जैसे ही वापस ऊपर आते हैं तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और
और ब्लड ऑक्सीजन छोड़ने लगती है जो हमारे हार्ट में और ब्लड कैपिलरीज में भर जाती है, जिससे बैंड या दर्द होने लगता है और कभी कभी तो बाल भी बस्ट हो जाते हैं, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और हीलियम को मिला लेते हैं, जिससे इतनी ही ऑक्सीजन डालते हैं कि जो पर ब्रीथ में यूज कर ले और बाकी गैस के फॉर्म में, तो ये सॉल्युबल नहीं होता और तो ब्लड कैपिलरीज में दर्द नहीं होता और बस्ट नहीं होता या फिर एस बैंड डिजीज नहीं होती। अब हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल जो हेनरी लॉ पर आते हैं। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि H2S एक टॉक्सिक गैस है जिसमें से रॉटन एग स्मेल आती है। यह आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा हो सकता है, जिसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में सेकंड ग्रुप के लिए यूज करते हैं। ये भी आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.195 मोलल, कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है ना। अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इस पे इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है 0.195। तो अगर हमने कभी मोलैलिटी पढ़ी होगी तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि सॉल्यूट के या गैस के इतने मोल 1 kg वाटर में प्रेजेंट। ठीक है ना, क्योंकि मोलैलिटी 1 kg में निकालते हैं और हमको हेनरी कांस्टेंट निकालना। तो सबसे पहले तो हमने 1 kg वाटर के मोल्स निकाले। ठीक है ना, 1 kg वाटर के मोल्स निकालने के लिए हम 1000 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 55.66 आ जाएगा। और नहीं तो बच्चों में आपको कई बार बता चुका हूँ, वाटर की मोलैलिटी हमेशा 55.5 होती। अब हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस निकाल लिया। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोल्स ऑफ H2S रखेंगे, बाकी दोनों के मोल्स नीचे, क्योंकि मोलैलिटी 0.195 थी तो H2S के मोल 0.195 हो जाएंगे, 0.195 और वाटर के मोल। अब हमने इन सबको डिवाइड किया तो हमें 0.35 मोल्स आ। ठीक है, और STP का मतलब होता है इतने बार इसका प्रेशर है, या फिर हम 1 bar भी ले सकते। अब एक दूसरा तरीका यह है, अब हमारे पास P है 987 bar, KH हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमको पता है, या हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं। कैसे, प्रेशर हमें पता है 1 bar या 0.987 bar, सोल्यूट के मोल हैं 0.195, सोल्यूट के मोल हैं 0.195 और वाटर के मोल्स हैं 55.5। तो जब हम इसकी वैल्यू को इस दोनों में से किसी भी रख देंगे तो KH निकालने के लिए P को X से डिवाइड कर देंगे तो ये 282 bar के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इसे 1 bar रखते हैं तो फिर इसका आंसर 284 bar के अप्रॉक्स आता है। कुछ बुक्स में 282 bar दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 284 दिया है, दोनों ही आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे NCERT का इंटैक्स क्वेश्चन 2.7, और इंटैक्स क्वेश्चन में क्या कहता है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इज 298 केल्विन टेम्परेचर दिस। इस बात से हमें पता लग गया कि गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का क्वेश्चन है, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 सोडा वाटर, या हम थम्सअप पीते हैं या कोक पीते हैं तो उसके 500 ml में कितनी CO2 डिजॉल्व है, ये हम निकाल सकते हैं। हमने इसको पैक किया है कितने एटमॉस्फेयर पे, 2.5 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। अब हमें KH की वैल्यू गिवन है, KH की वैल्यू कितनी गिवन है ये, और हमें प्रेशर भी गिवन है ATM, पर प्रॉब्लम यह कि ये पास्कल में दिया है और ये ATM में दिया है। तो हमने क्या किया, KH की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने प्रेशर को एटमॉस्फेयर से पास्कल में बदल लिया, और ये अप्रॉक्स 210 raised to power 5 पास्कल होता है, या सिंपल 2.5 into
10^5 लगा के भी काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास फॉर्मूला ये है PCO2KHX। तो हमें P पता है 2.5 × 10^5, KH हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हमारा आ जाएगा X। हमने इन दोनों वैल्यू को जब इसमें पुट कर दिया तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आ गई। तो ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब हमें इस मोल फ्रैक्शन से उसका वेट निकालना है। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यह होता है, ओके। अब हमने नीचे से CO2 के मोल्स को, क्योंकि ये सॉल्यूट है तो डिनोमिनेटर में से नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो NCO2 / NH2O, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम 500 था तो हमने इन सारी बातों को यहां पुट कर दिया, ठीक है। तो 500/18 वाटर के मोल्स कितने आ गए, 27.78, ठीक है। X हमारे पास है ही, तो H2O के मोल्स 27.7 और CO2 का मोल फ्रैक्शन इतना है, तो हमें इससे निकल आएगा CO2 के मोल्स। अब हम इस मोल्स को हम CO2 के वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको मोल्स के फॉर्मूले रखकर मोल से 44 को किया तो 1.848 ग्राम आंसर आ गया। ये है मास ऑफ CO2, ठीक है, मास ऑफ CO2। और हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया।